अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त हम लाहौर में संतरा का एरिया क्लब है जी, आउट फॉर रोड और नूर अहमद कुरैशी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए अभी, लेकिन मैंने नूर को जब देखा तो ये 125 चला रहे थे और मैंने देखा बड़ा फुर्तीला नौजवान है, चेहरे पे शरारत भी है। इस सारी मस्ती भरे इंसान के पीछे एक छोटी सी ट्रेजेडी है। इनकी टांगे गालबन किसी एक्सीडेंट में ख़राब हो गई, क्या हुआ था एक्सीडेंट? तो परमानेंटली आपकी टांगे रिमूव कर दी गई? जी जी। और ये एक्सीडेंट कितने पुराने, कितना अर्सा हो गया इस बात? 8 साल हो। तो हुआ कैसे था, ये लाहौर में हुआ? नहीं, गुजरांवाला, गुजरांवाला में हुआ था। गुजरांवाला शहर में क्या करने गया था? वो दोस्त ने कहा था कि खाना खाने के लिए चलते हैं, तो मैंने उसको मना भी किया। मैं थका हुआ भी था, उससे जुम्मे का दिन था तो ये कह के, तो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। तो वहाँ से आया तो उसने मुझे कहा कि यार चलो बोतल पी लो। मैंने बोतल पी है उसके साथ थोड़ी सी, तो दूसरी बोतल या दूसरी स्ट्रिंग की बोतल पी है। अच्छा, स्ट्रिंग की बोतल पी है। जैसे ही बोतल पी है, वो अचानक से मेरे जहन में पता नहीं क्या आया, क्या आया। हाँ, मैं मान के आके चलो यार ठीक है चलते हैं। तो ऐसे ही जा रहे थे, तो किस पे, गाड़ी पे, बाइक पे जा रहे थे। कौन चला रहा था? मैं चला रहा था। अच्छा, कौन सी बाइक? डिलेक्स 125। हाँ जी, होंडा डिलेक्स 125 जी। अच्छा, वो पीछे बैठा था? जी, वो पीछे बैठा हुआ था। फिर यहाँ से कहाँ से गए? यहाँ से जा रहे थे जीटी रोड की तरफ से। अच्छा, तो गाड़ी वाला आ रहा था पीछे से, उसने हॉर्न वगैरह दिया, मैं साइड पे हो गया, लेकिन जैसे वो यू टर्न पे मुड़ने लगा है भाई, आगे निकल गया था। हाँ जी, आगे निकल गया था। अच्छा, आपसे रास्ता मांगा, आगे निकल गया, आगे निकल गया। हाँ जी, आगे यू टर्न था, उसने यू टर्न पे ना हैंड ब्रेक खींच ली एकदम यार। हाँ जी, तो उसने हैंड ब्रेक जैसे खींची उसकी गाड़ी गोल घूम के ना वापस आके मुझे लग गया। और आप स्पीड में थे? मैं स्पीड में था, मैं गिर गया। अंदाजा कितनी स्पीड होगी? 80-90 होगी। हाँ जी, 70-80 की स्पीड थी। अच्छा, वो जैसे ही गिरा हूँ मैं, तो जो पीछे दोस्त बैठा हुआ था वो पीछे गिर गया, और मैं जैसे ही गिरा वो गाड़ी वाला भाग गया, पीछे से कंटेनर आ रहा था, और क्योंकि बाइक मेरे पे गिर गई थी तो कंटेनर जो है वो बाइक पे चढ़ा, तो वो जो है ना टांगे जो है दोनों कंटेनर के सारे पहिया के टांगों से। हाँ जी, बाइक पे से जैसे ही गुजरे ना, तो वो नीचे से टांगे सारी दब, वो हड्डियाँ वगैरह टूट गई सारी। आप बाइक से उतर नहीं सके थे? हाँ, मैं बाइक से निकल, स्लिप हो गई और कंटेनर उसी बाइक पे चढ़ा, बाइक पे चढ़ा। और आपको होश था दोनों? हाँ जी, होश था। हेलमेट पहना था? लोडेड कंटेनर गाड़ी थी, तो पठान फिर गाड़ी से उतरा आया, उसने बाइक वगैरह उठाई, जो कंटेनर चला रहा, जो कंटेनर चला, गाड़ी वाला भाग गया, गाड़ी वाला भाग गया। अच्छा, तो पठान ने माजरत भी की, लेकिन पठान सही कह रहा था कि यार तो मेरी गलती नहीं है, मेरी लोड गाड़ी है, लोड गाड़ी की ब्रेक नहीं लगती है। सही बात। लोगों ने उसको, पठान को मारा, तो पठान ने कहा कि यार मेरी गलती नहीं है, मैंने तो बल्कि अपनी तरफ से मदद करी है बच्चे की, यार अगर मैं भी चला जाता तो किसी को कुछ ना पता लगता, लेकिन मैंने मदद करी। तो क्या वक्त था, शाम का वक्त था, रात का? ये तकरीबन 2 बजे का, दो ढाई, हाँ जी, दोपहर। अच्छा, जुम्मे की नमाज के बाद? जुम्मे की नमाज के बाद, दो ढाई बजे का टाइम। फिर उसको रेस्क्यू को कॉल किसने की? मैंने की थी रेस्क्यू को। आपको इतना होश था, आपकी दोनों टांगे पे चढ़ गया था कंटेनर, हाँ जी, जख्मी थे, और खुद आपने फोन निकाल के फोन किया मैंने रेस्क्यू वाले को, 112 को, तो उन्होंने लोकेशन पूछी, तो वहाँ का जो रिहायशी था, जो बंदा मेरे पास खड़ा हुआ था, उसको मैंने मोबाइल दे दी कि यार ये आप इनको बता दो कि ये कौन सी जगह है, क्या है, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे नहीं पता। तो फिर उन्होंने उनको गाइड किया, तो फिर वो रेस्क्यू वाले आए, वो मुझे ले कर, जब उन्होंने रेस्क्यू में लिटाया तो फिर मैंने फ़ोन किया था घर अपने अम्मी अबू को। जी, हारिस को। फिर अपने दोस्त को किया? अपने दोस्त को कॉल करी, हारिस को, उसको बताया कि यार ये जो मोहल्लेदार भी है, मोहल्लेदार है मेरा, अच्छा, मेरा बचपन का दोस्त भी है, उसको कॉल करी, उसको बताया कि यार ये ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया। तो आपने खुद बताया या रेस्क्यू वाले ने? मैंने खुद बताया। अच्छा, कि यार ऐसे ऐसे ये एक्सीडेंट हो गया,
पहले वो समझा कि यार दोस्त हैं कि मजाक करते हैं कि शायद मजाक ना कर रहा हूँ। फिर मैंने उसको कहा मैं यार नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, तो ये आप रेस्क्यू वाले से बात करो। तो रेस्क्यू वाले ने उसको बताया कि हाँ ये ऐसे ऐसे ये एक्सीडेंट हुआ है, तो हम जो है मियो हॉस्पिटल लेके आए उनको। अच्छा, तो मियो हॉस्पिटल जब मैं पहुँचा मियो हॉस्पिटल तो मैंने देखा तो मेरे घर वाले और हारिस और मेरे दोस्त वगैरह मेरे मामू लाहौर में मियो हॉस्पिटल ले आए जी। अच्छा, तो वहाँ शुरू में पहले फर्स्ट एड नहीं दी उन्होंने वहाँ पे, कुछ भी नहीं किया, नहीं कि वहाँ की गुजरांवाला के किसी अस्पताल या डिस्पेंसरी पे नहीं लेकर गए, डायरेक्ट मियो ले आए वो, डायरेक्ट मियो ले। अच्छा, उस वक्त फिर हारिस पहुंचा, उस वक्त हारिस पहुंचा मेरे घर वाले, मम्मी अब्बू पहुंच गए, रिश्तेदार वगैरह जिनको पता लगा वो लोग पहुंच गए थे। अच्छा, हुआ था। और फिर उन्होंने वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट दी? उन्होंने कहा कि ये ऑपरेट होगा फौरन, हमें ब्लड की जरूरत है कि ओ नेगेटिव ब्लड है। तो आप होश में थे? मैं होश में था। तो तब वो जैसे वो डॉक्टर ने चेक किया उसने कहा कि आप ऐसा करें कि इसको जो है ना इंजेक्शन दे दें फौरन ताकि जो है ना ये सो जाए। तो फिर उन्होंने मेरी वेन में पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया कि वो सो गया था, बेहोशी हो गई थी। और फिर कितने अरसे बाद होश आया? मुझे तकरीबन फिर 3 दिनों के बाद मैं होश आया। तो जब मैं होश में आया हूँ तो वो प्लास्टर हुआ हुआ था सारा टांगों पे, दोनों टांगों पे। अच्छा, और टांगें सलामत थी? टांगें सलामत थी। अच्छा, तो आप मियो में ही थे? जी, मैं मियो हॉस्पिटल में था। तो उन्होंने बताया कि ना कि ये प्लास्टर जब उतरेगा ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी, आप पहले कितना चलने लग जाओगे नहीं होगा। सही है। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह का शुक्र है कि जब ये उतरेगा तो पहले कितना हो जाएंगे। लेकिन फिर वो आप हॉस्पिटल में ही रहे जिस दौरान? हाँ जी, हॉस्पिटल मियो में ही रहे। मियो में ही रहा 13 या 14 दिन के बाद उन्होंने प्लास्टर काट दिया था। अच्छा, जब वो काटा ना तो उन्होंने कहा कि ये वेन्स जो हैं ये कट गई हैं, ये वेन्स कट गई हैं, तो ये वेन्स जो है ये चेंज करनी पड़ेगी और रॉड जो है वो डालने पड़ेंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर वालों ने इजाज़त दी कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो हमने कहा ठीक है आप प्राइवेट में ले जाएं, तो हम इत्तेफाक हॉस्पिटल में ले गए। ये लाहौर में ही है? जी, लाहौर में। तो वहाँ किसी ने कहा था आपको वहाँ ले जाने का? हाँ, वो डॉक्टर जो थे वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप उधर इत्तेफाक में चले जाएँ। अच्छा, वो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है और अच्छा हॉस्पिटल है, उसकी ट्रीटमेंट भी अच्छी है, वहाँ के डॉक्टर भी जो है सर्जन जो हैं वो अच्छे हैं। तो प्लास्टर उतरने के बाद आपको इत्तेफाक शिफ्ट किया गया? इत्तेफाक शिफ्ट किया। तो वहाँ वालों ने क्या कहा? इत्तेफाक वालों ने कहा कि आपका मेरा ऑपरेट किया था डॉक्टर आरिफ हसन खान ने इत्तेफाक में, इत्तेफाक हॉस्पिटल। अच्छा, क्या 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 ऑपरेट किया? तो कि आपका जो है ये वेन्स जो है ये वेन जो है ये कट गई है, वेन्स चेंज होंगी, हमें वेन्स की ज़रूरत है, वेन्स मंगवा के दीजिए क्योंकि आर्टिफिशियल वेन्स मिलती हैं। कहाँ से मंगवाई? तो हमने बाहर से इंग्लैंड से मंगवा दी। और कितने की? बहुत महंगी आई है, काफ़ी महंगी आई थी, लाखों में, लाखों में आई थी। और रॉड्स भी मंगवा दिए थे। अच्छा, और जब वो रॉड्स भी इंपोर्ट हुए? जी, रॉड्स भी इंपोर्ट, वो भी इंग्लैंड से है। जी। अच्छा, और रॉड्स मंगवा, और ये उनके डॉक्टर के कहने पर ही आए? डॉक्टर के कहने पर। उन्होंने बताया था कहाँ से आने, कहाँ से आने हैं, किस जगह से आने हैं, ये मंगवा दिए थे। और जब ऑपरेट वगैरह हो गया, जब उसके बाद जब क्योंकि 20 दिन के बाद जब उन्होंने कहा कि अब आप आगे जो है रॉड्स उतरने, जब वो उतारने लगे तो वो देखा तो उन्होंने बताया कि ये रॉड्स जो हैं काम नहीं कर रहे, ये रॉड्स जो हैं ये सही नहीं लगे हुए कि किसी के यूजेबल, पहले यूज नहीं किसी के इस्तेमाल हुए रॉड्स तो नहीं है। हाँ। तो नहीं नहीं ये बिल्कुल नए न्यू रॉड्स में वहाँ के लिए हैं। हाँ। वहाँ के भी वहाँ से दिए हैं, आपने ख्वाहिश का इजहार किया जी, डॉक्टर ने जो ख्वाहिश का इजहार किया। तो वो डॉक्टर नहीं थे वहाँ पे, तो ऑपरेशन थिएटर में जो दूसरा बंदा था जिसने रॉड उतारने थे उसने कहा ये जो रॉड्स जो हैं ये किसी के यूजेबल हैं, ये यूज्ड है पहले से जी, सेकंड हैंड आए, सेकंड हैंड है ये। और वेन्स, और वेन्स जो है वो उनसे सही लगी नहीं है, जिसकी वजह से वो आपका जो है ना खून जो है उसकी ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ जो है जा ही नहीं रही, फ्लो नहीं बन रहा। हाँ जी, तो वो जो है अब उसका हल कोई नहीं है, आपका गोश्त जो है वो सारा गल गया है नीचे से ना। तो अब आप ऐसा कीजिए कि आप ये जो है ना टांगें कटेंगी। अच्छा, तो उनके कहने पर चले मैं ठीक है, मैं मान गया
तो हमने एक टांग कटने का कहा जी, एक टांग का कहा था कि लेफ्ट वाली लेग जो है वो कटेगी। हाँ, सही है। और घुटने से नीचे कटेगी कि इस साइड से कटेगी, लेकिन वो उन्होंने जब ऑपरेट किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये घुटने के ऊपर से कटेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेग जो है वो सारी जो है ख़राब हो चुकी है, गल गई है। और इत्तेफाक में ही हो रहा था सब जी, इत्तेफाक हॉस्पिटल में हुआ है। सही है। फिर तो जब दूसरी टांग का हमने पता करवाया तो हम लोग जो है सुरैया जिम हॉस्पिटल, मेरे घर वाले मुझे लेके गए हैं। उन्होंने काट दी इत्तेफाक वालों ने जी, इत्तेफाक वालों ने काट दी, लेफ्ट काट दी थी घुटने से ऊपर, पहले का घुटने से नीचे, फिर घुटने के ऊपर से काट दी जी जी। और फिर राइट में के लिए आप क्यों गए सुरैया जी? तो सुरैया जी जो दूसरे डॉक्टर थे उनको चेक करवाने के लिए गए कि ये दूसरी टांग बच सकती है कि नहीं बच सकती। इत्तेफाक वालों ने मना कर दिया, इत्तेफाक वालों ने कहा था कि ये कटेगी, दूसरी भी कटेगी, दूसरी कटेगी, इसका कोई हल नहीं है। अच्छा। तो फिर जब उनको चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि नहीं अब आप, यानी कि बहुत देर हो गई आपको आने में जी, अब आपको आने में बहुत देर हो गई, अगर ये पहले से आपका ये काम हो जाता तो शायद आपकी टांग बच जाती। अच्छा। लेकिन अब इसका कोई हल नहीं है, ये वो जो है ना जल्दी से जल्दी जो है ये कटवा दीजिए। तो आपने इत्तेफाक वालों से पूछा नहीं कि भाई तुमने तुम्हारी जो ख्वाहिश थी हमने वहाँ से मंगवा के दी, उनको काम क्यों नहीं किया, काम क्यों नहीं किया? उनको यही बताया, उन्होंने कहा मेरी टांगें बच जाती, उनसे ये नहीं पूछा? उनको कहा हर चीज़ का कहा तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ये नहीं बताया? ये नहीं बताया, उनसे बहुत पूछा, बहुत कहा। तो ये नहीं पूछा कि जब मंगवा के आपकी जगह से दी हमने, जिस जगह से आपने कही लिख के दिया वहाँ से मंगवा के दी, तो ये सेकेंड हैंड कैसे आ गई? आपने जी जी मेरे घर वालों ने पूछा था, मेरे दोस्त वगैरह ने भी पूछा है डॉक्टर से, तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी तरफ से सही चीज़ लगाई है, हमारी ये गलती नहीं है। अच्छा। कि हमें जो चीज़ मिली है हमने वही लगा के दी है। और जिस डॉक्टर ने, क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर आरिफ हसन खान। तो उन्होंने कोई जवाब दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने सही चीज़ लगा के दी है, और जो उनका बंदा कह रहा था, जो उनका बंदा था वो कह रहा था कि ये चीज़ सही नहीं लगी हुई, ये चीज़ सेकेंड हैंड है, किसी की यूज़, किसी का ना यूजेबल रॉड लगा ये, कि जो न्यू रॉड जो होता है ना उसकी शेप कुछ और होती है। अच्छा। अच्छा, तो फिर दूसरी टांग भी काट दी गई जी? दूसरी टांग यहाँ पे सुरैया सिंह हॉस्पिटल में काटी हुई, पहले तो 3-4 दिन मैं नहीं मरा था, 3-4 दिनों के बाद फिर मेरे घर वालों ने, मेरी वार्ड मैन ने, मेरे दोस्तों ने, बहन भाइयों ने काफ़ी मनाया कि कुछ नहीं होता अगर ज़िंदगी है तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह तआला कि कोई ना कोई वसीला बना देगा। ये मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी दिखाई हैं कि ये देखो ये लोगों की टांगें नहीं होती, ये दूसरी टांगें लग जाती हैं। कभी ऐसा हुआ कि नहीं ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं? जी जी बिल्कुल। तो शुरू के दिनों में ऐसे ही लगता था कि अब तो यानी कि ना वॉशरूम जा सकते हैं, ना उठ के पानी पी सकता बंदा, ना अपनी कोई उठ की चीज़ उठा सकता। दोस्त वगैरह मिलने के लिए आते थे, रोज़ाना आते थे, जितने साथ लेके चले जाते थे गाड़ी में, यहाँ से ऊपर से उठा के लेके जाना, नीचे बिठाना, गाड़ी में बिठाना, कहीं घुमा फिरा के लेके आ जाना। लेकिन फिर भी ये होता था कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये आर्टिफिशियल जो लेग्स लगी हैं फौरी तौर पे लग गई थी या कुछ महीनों बाद लगी? अभी आपके आर्टिफिशियल लेग्स हैं जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये क्या फौरी तौर पे लगी थी या कुछ महीनों बाद, सालों बाद? नहीं नहीं, ये तकरीबन 1.5 साल के बाद लगी, 1.5-2 साल के बाद ये लेग्स लगी। ये इसकी कोई रिक्वायरमेंट होती है फौरी तौर पर नहीं लग सकती? ऐसा ही होता है, फौरी तौर पर नहीं लग सकती। ये किस अस्पताल से लगवाई? ये मैंने होप सेंटर से। अब इतने सालों में आप ज़हनी तौर पर रिकवर कर गए हैं या अभी भी कोई मायूसी किसी परेशानी का सामना रहता है? अच्छी भाई, बस कभी कभार इंसान के जहन में बात आ जाती है कि शायद अगर मैं सही होता तो मैं ये नहीं तो ये कर सकता था। जैसे कि अब जॉब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब बिल्कुल जॉबलेस हैं आप जी? बिल्कुल। जरिया कोई नहीं है आपके पास? कोई जरिया नहीं है। तो आप तो यहाँ लाहौर के दिल में बैठे हुए, नवाज शरीफ साहब का एक गढ़ है, तो इस दौरान जब कोई वोट मांगने आया आपने उससे कोई मदद मांगी, कभी कोई सियासी शख्सियत आपके घर पे आई? जी जी बिल्कुल आए। कौन? जी बिलाल यासीन साहब आए, ख्वाजा इमरान साहब साहब। बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान। जी जी। तो इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से क्या कहा? इन्होंने कहा कि इन्होंने तस्वीरें वगैरह ली हैं। अच्छा। तो मैं व्हीलचेयर पर मुझे बिठा। बिलाल यासीन कब आए? किस साल की बात? 5-6 साल हो गए जी? जी 5-6 साल हो।
तो उन्होंने आके क्या कहा? उन्होंने तस्वीरें वगैरह ली मेरे साथ और उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे पास आइएगा दफ्तर में आपकी जॉब का, यानी कि मजदूर कोटा जो होता है उसमें मैं आपकी जॉब का कोई ना कोई बंदोबस्त करवा दूंगा सरकारी में, सरकारी के अंदर। फिर आप गए? मैं उनके पास गया एक दफ़ा, नहीं मैं क्यों मिले वो आपको? नहीं मिले नहीं, अगर वो अंदर बैठे हुए भी होते थे तो वो लोग जो है वो हमें मिलने नहीं देते। अच्छा, कि सर मसरूफ हैं, सर मसरूफ हैं। फिर भी जॉब तो हो गई होगी ना आपकी? नहीं नहीं जॉब नहीं मिली। अच्छा माशाल्लाह जॉब भी नहीं मिली? नहीं नहीं जॉब नहीं मिली, और मुझे लेके जाने वाला भी क्योंकि दोस्त हैं सारे दोस्त पढ़ते थे, क्योंकि वो टाइमिंग मुझे टाइम इस तरह का मिलता था कि आपने उधर जाना है जी, तो मैं व्हील चेयर पर इतनी दूर तक जाता था कि शायद मेरी जॉब का कुछ हो जाए, शायद मेरी जॉब का कुछ हो जाए, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर तब्दीली आई, उसने क्या किया? उसके बाद जब तब्दीली आई है तो उधर से भी कोई आया? वो मैडम ने कहा था कि आपके हल्के थे यासमीन नाशिद, यासमीन जी जी उनसे मुलाकात हुई? जी जी उनसे मुलाकात हुई, वो मेरे घर भी आई कि मैं आपकी जॉब का कोई ना कोई सिलसिला जो है वो करवा दूंगी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। जी जी तो उन्होंने तो वादा पूरा किया हो तो, लेकिन वो आके सर काम जो था वो सारा ऐसे हो गया वो खान साहब के साथ के वो हो नहीं सका फिर वो काम ना। अच्छा, 3-4 साल में भी नहीं? जी जी नहीं वो काम नहीं हो सका, तो उन्होंने यही कहा था कि जैसे ही कोई ना कोई जॉब का कोई ना कोई कोटा जो अगर हमें मिलता है आपके मुताबिक तो मैं ज़रूर लगवा के आपकी जॉब लगवा दूँगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन नहीं हो सका मेरा काम, मैं बहुत बहुत लोगों के पास गया हूँ। नाम बताया उन्होंने आपको? अपना जो भाई आप मेरे घर आए थे? जी जी बताया, जी जी बताया हूँ। तो उनको कुछ याद नहीं? तो वो कहते थे कि जो है जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे, कर लेंगे, देख लेंगे। उसके बाद एक दफ़ा दोबारा भी आए हैं मेरे पास बिलाल यासीन साहब, तो मैंने उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे 1-1.5 साल पहले भी आए थे, आपने मुझे ये बात कही थी लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं है, या उनके साथ जो लोग थे उन्होंने यही कहा था कि अब जो है इंशाल्लाह तआला आपका काम ज़रूर होगा जी, लाजमी होगा। तभी उन्होंने यही किया, तस्वीरें वगैरह खिंचवाईं। और हमारा माशरे का रिएक्शन क्या होता था? लोग कैसे मिलते जुलते थे? किसी में कोई तब्दीली आती थी, कोई इग्नोर कर देता था, क्या होता था? जी जी कई लोग तो थे जो सही मिल लेते थे, और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी थे जो मिलना जुलना जिन्होंने छोड़ दिया था बिल्कुल पहले, तो बहुत थे और काफ़ी दोस्त थे, अब 8-10 दोस्त हैं हम लोग बस। अच्छा, किसी से कोई कोई डिमांड है आपकी, कुछ आप अपील करना चाहेंगे? जॉब की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ कि जॉब हो तो फिर मेरा कोई सिस्टम चले, तो ये लेग्स भी जो आएंगे 3-4 महीने बाद जो है मुझे सही करवाना पड़ता है, और मेरे अच्छे खासे मेरे पैसे लग जाते हैं, मेडिसिन है, मेडिसिन रोज़ाना खानी पड़ती है, घर वाले दोस्त कब तक साथ लेके चलेंगे। डिप्लोमा अगर आप बता रहे थे कुछ किया हुआ आपने? जी जी मैंने मोबाइल कोर्स किया रिपेयरिंग का। जी जी रिपेयरिंग, यानी आप अगर थोड़ा बहुत कोई फंड करे तो आप अपना ही काम शुरू कर सकते हैं, ये जॉब में ही इंटरेस्टेड है? जी जॉब, लेकिन जॉब होनी चाहिए, जॉब में इंटरेस्टेड है। अच्छा, जॉब इसलिए कि जो मोबाइल्स का जो काम है वो मार्केट का काम है मुसलसल रोज़ाना का, और मार्केट जो जब सामान लेने के लिए जाना पड़ता है तो मुसलसल चलने फिरने का काम। अच्छा, थोड़ा आप बताइए टांग आपकी कहाँ तक ये डैमेज हुई थी? जी जी ये वाली टांग यहाँ से कटी। अच्छा, और ये वाली टांग जो है ये यहाँ से कटी, ये देख लीजिए यहाँ से ये सारी कटी। अच्छा, सही, ये सारी जो है ये आर्टिफिशियल लेग, सही, ये भी ये ख़राब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से मैंने सही करो